A very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Takes. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 2nd of November 2022. Though November 2022 के जितने भी important article and editorial होंगे उनको हम discuss करेंगे. So, video बहुत ज़्यादा important है क्योंकि आज articles भी बहुत जबरदस्त आए हुए हैं और आपके editorial भी बहुत ही प्यारे आए हुए हैं. तो उनको हम discuss करेंगे. तो video को skip मत कीजिएगा. Last तक देखिएगा. At the same time, अगर आपको हमारा content पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, then वीडियो को लाइक like, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें एंड दिस वीडियो इज बाई लैंग्वेल इट मीनस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज पेपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज अक्टूबर जी एस टी रेवन्यू प्रोसेस वन पॉइंट फाइव वन लैक करोड़ फेस्टिव सीजन फर्स्ट सेकेंड हाइस्ट रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इन अ मंथ ठीक है हरियाणा यहाँ पर टॉप करते हुए दिखेंगे आपको विथ थर्टी सेवन परसेंट ठीक है तो थर्टी सेवन परसेंट का आपसे एक यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिला है ओके और जब से इनडायरेक्ट टैक्स रजीम यहाँ पर लॉन्च किया गया है उसके बाद ये सेकेंड हाइस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है जी एस टी रेवेन्यू कलेक्शन ठीक है वन लाख फिफ्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटीन करोड़ जो कि पिछले साल के मुकाबले सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट हायर है ठीक है जो कि पिछले साल के मुकाबले सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट हायर है रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ठीक है तो जो भी रेवेन्यू फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रांजक्शन यहाँ पर कलेक्ट हुआ इंक्लूडिंग द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड ऑल उसमें एटीन परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है ड्यूरिंग द मंथ विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटिंग दैट अक्टूबर मार्क द सेकेंड हाइस्ट कलेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ओनली टू अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी ओके दिस इज द नाइन्थ मंथ एंड द एट मंथ इन द इन अ रो नाउ दैट द मंथली जी एस टी रेवेन्यू हैव बीन मोर दैन वन पॉइंट फोर लाख करोड़ ठीक है तो अब तक का ये नाइन्थ है नाइन्थ मंथ अब हमने देखा है और एट्थ कंजीक्यूटिव मंथ हमने ये देखा कि जिसमें वन पॉइंट फोर लाख करोड़ का आंकड़े को क्रॉस किया ठीक है थीके? यहाँ पर कुछ स्टेट्स के यहाँ पर अपस्टिक यहाँ पर देखने को मिले जैसे कर्नाटका थर्टी थ्री परसेंट हरियाणा अब तक का टॉप है थर्टी सेवन परसेंट पे उसके बाद कहाँ कौन है कर्नाटका है केरला ट्वेंटी नाइन परसेंट वेस्ट बंगाल ट्वेंटी सिक्स परसेंट तमिलनाडु ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है तो कुछ स्टेट में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वहाँ नेगेटिव में जाती हुई दिखी है जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया आसाम हो गया इसमें माइनस थ्री परसेंट है आसाम में माइनस थर्टीन परसेंट है मिजोरम में आप देखें और मणिपुर में देखें तो आप माइनस ट्वेंटी थ्री परसेंट है बिहार में माइनस वन परसेंट है ठीक है तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं ओके और कुछ नेशनल एवरेज यहाँ पर बताए गए हैं रेवेन्यू स्लोर स्लोअर दैन द नेशनल एवरेज इन गुजरात तेलंगाना जिसमें मतलब कि नेशनल एवरेज से भी यहाँ पर स्लो हुआ है थोड़े से जितनी नेशनल लेवल है उससे स्लो यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिला है किसमें गुजरात तेलंगाना मध्य प्रदेश राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सेफ्रोन फील्ड टर्न स्टेज फॉर टूरिस्ट शॉट जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट रोप्स इन स्टूडेंट एंड फार्मर्स टू टर्न द दफरन फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल इन टू टूरिस्ट एक्सपीरियंस इन द वैली लोकल होप्स टू सी फिफ्टीन परसेंट इक्रीज़ इन द Yield this year. Increase is in the yield in the saffron cultivation this year. Okay, wearing traditional attires and recreating the looks of 16th century Kashmiri poets and Queen Hababa Khatun students from Pampur in South Kashmir on Tuesday put the spotlight on the ongoing saffron harvest to attract tourists from social media reels and unique experience amid the evitable, evitable land known as one of the costliest. स्पीसीस इन द वर्ल्ड ठीक है तो आप सबको पता है कि पेम्पोर रीजन विच इज़ वेरी मच फेमस फॉर द दैफरॉन कल्टिवेशन ठीक है आप सबको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है किसके लिए सैफरॉन uh, कल्टिवेशन के लिए और इट इज लोकेटेड इन द साउद कश्मीर ठीक है तो साउथ uh, कश्मीर के साउथ पार्ट में आपको ये मिलेगा एंड दीज खरेवास आर द होम ऑफ होम टू हवा खातून्स ठीक है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो खरवास है दीज आर होम्स टू हवा खातून्स एंड आई वेयरिंग द ट्रेडिशनल अटायर सेफरॉन हैज नॉट ओन बिन अ क्रॉप ऑफ कश्मीर बट ऑलो सोर्स ऑफ पोएट्री ठीक है नहीं बताया कि सैफर है यह ना ही केवल सिर्फ क्रॉप है कश्मीर का बल्कि एक सोर्स है किसकी पोएट्री काम्पॉर्टेंट सो दूरजम डिपार्टमेंट है लाडो एरियाज ऑन ट्यूसडे ठीक है डिपार्टमेंट है उन्होंने इन्वाइट किया किसको स्टूडेंट्स को और लोकल फार्मर को कि वह यहाँ पर आए और इस फेस्टिवल को ज्वाइन करें जो कि कंडक्ट कराया जा रहा है पेम्पोर लाडो एरिया में ये सारी चीजें

यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके यहाँ पर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में आपको आज और इंडिया और बांग्लादेश का मैच है ये अपडेट मैं आपको दे देता हूँ ओके आ, जितना जरूरी है इंडिया के लिए क्योंकि अभी हम हार गए थे साउथ अफ्रीका के साथ तेरह साल के बाद हम हारे थे ठीक है आ, तो ये आपके लिए बताना ज़रूरी था क्योंकि तेरह साल के बाद ये जीत मिली थी साउथ अफ्रीका को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं क्रेमलिन एक्यूज यूके ऑफ डायरेक्टिंग नॉर्थ स्ट्रीम ब्लास्ट ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्रेमलिन है जो कि एक्ज कर रहे हैं यू को यू uh, को एक्यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यूके की इन्वॉल्वमेंट है इन दिस ब्लास्ट जो कि नॉर्थ स्ट्रीम का जो ब्लास्ट हुआ है उसमें यू की इन्वॉल्वमेंट है देर इज एविडेंस दैट ब्रिटेन इज इन्वॉल्व इन द टेरिस्ट अटैक सेज रसिया लंडन से इज एलिगेशन आर डिटैच फ्रॉम रियलिटी अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है रशिया के द्वारा कि हमारे पास एविडेंस है दैट यू आर इन्वॉल्व इन दिस ब्लास्ट यू आर यहाँ पर यू का मतलब हो गया ब्रिटेन ठीक है कि ब्रिटेन इज इन्वॉल्व इन दिस ब्लास्ट ये हम यहाँ पर टेररिस्ट अटैक कहेंगे इसको ओके बट लंडन ये बोल रहा है कि जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए हैं इट इज़ टोटली डिटैच फ्रॉम रियलिटी ठीक है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ओके okay, इस आर्टिकल में पूरे आर्टिकल में यही बताया गया कि क्रिमिनल ने एक्यूज़ किया ब्रिटेन को कि वो इन्वॉल्व है इन दिस ब्लास्ट में ठीक है देर इज एन एविडेंस बट उन्होंने ये खुलासा नहीं किया वो पूरी डिटेल्स इन्होंने ये प्रोवाइड नहीं किए ठीक है कि कैसे इनके पास क्या एविडेंस है क्या पुख्ता सबूत है इनके पास ये ऐसे पूरे एविडेंस यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया बट इनके पास ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है दैट ब्रिटेन इज वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस नॉर्थ ईस्टर्म ब्लास्ट ठीक है तो ब्रिटेन इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था हम पॉइंट आउट कर रहे थे किसके तरफ यू के ऊपर बट एक्चुअली द इन्वॉल्वमेंट वॉज ऑफ ब्रिटेन ठीक तो यहाँ पर ये सारी चीज यहाँ पर बताया गया है किसके द्वारा क्रेमलिन के द्वारा ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज इन्वेसिव ट्री स्प्रेडिंग इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व ठीक है यहाँ पर एक ट्री की स्पीसीज है सेना एस्पेक्टिवलिस जो कि एक्सॉटिक ट्री है विच हैज़ टेकन ओवर बिटवीन 800 हंड्रेड हेक्टर्स एंड टू ट्व हंड्रेड हेक्टर्स ऑफ लैंड ऑफ बफर जोन ऑफ मधुमलाई टाइगर रिजर्व ठीक है बहुत ही ज्यादा तेजी से ये जो स्पीसीज है ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है लगभग आठ सौ से बारह सौ हेक्टर एरिया ऑफ बफर जोन को इसने कवर कर लिया है एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कपिंग अप कमिंग अप विद कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी टू टल द इन्वेसिव इन्वेसिव स्पीसीज विच कंटिन्यूअसली टू स्प्रेड रैपिडली इन बफर जोन ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा तेजी से ये स्प्रेड होता तो जा रहा है आप देख सकते हैं इसके अंदर येलो टाइप के जो फ्लावर है वो आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है जिसका नाम है सेना स्पेक्टिब्लिस ठीक है जो कि एक एक्सॉटिक ट्री है और लगभग आठ सौ से बारह सौ के हेक्टर में फैला हुआ है ठीक है बफर जोन जो कि मधुमलिक टाइगर रिजर्व में यहाँ पर लोकेटेड किया गया है ओके सो होप यू वॉट क्लैरिटी यहाँ पर देख सकते हैं आप ओके जो नीलगिरीज हिल के डिस्ट्रिक्ट में यह पाई जाती है ओके Introduced as an ornamental species and for use as firewood for uh, from South and Central America, the species has become highly invasive in uh, Segur Plateau in both core and buffer zone of the MTR. Okay, and ESR again According to the P. Arun Kumar, the deputy director MTR Buffer Zone, the forest department estimated that the species has स्प्रेड ओवर 800 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड हेक्टर्स ऑफ द बफर जोन ठीक है तो लगभग आठ सौ से बारह सौ हेक्टर जोन में ये फैला हुआ है बफर जोन में लोकल रेजिडेंट सेड द स्पीसीज सीम्ड टू बी स्प्रेडिंग फास्टर ओवर द लास्ट फाइव ईयर ठीक है तो लगभग पाँच सालों से ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से ये स्पीसीज बढ़ते जा रहे हैं ठीक है एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इट स्टिल डिमार्केटिंग एरियाज वेयर द स्पीसीज इज स्प्रेडिंग ठीक है तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो अभी तक डिमार्के डिमार्केट कर रहे हैं एरिया वेयर द स्पीसीज इज स्प्रेडिंग ठीक है तो यहाँ पर एक स्पीसीज के बारे में

जो कि एक इंटीग्रल मैटर है किसका इंडिया का ये कौन कहा है ये बांग्लादेश के मिनिस्टर ने कहा अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हसन मोहम्मद से फैनाटिकल्स ग्रुप्स आर वर्किंग टू अंडर सोशल हारमोनी ठीक है तो यहाँ पर हसन मोहम्मद है इन्होंने कहा है जो फैनाटिकल ग्रुप्स है दे आर वर्किंग टू अंडर द सोशल हारमोनी एंड हिंदूज इन बांग्लादेश शुड नॉट बी कंसिडर्ड माइनॉरिटीज एज दे बिलोंग टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री बांग्लादेश इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हसन मोहम्मद ऑन ट्यूजडे सेट दैट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फ्रेम टू टू ग्रांट सिटीजनशिप माइनॉरिटी ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉस इंटीग्रल मैटर ऑफ इंडिया ठीक है ये इंटरनल मैटर है ये इंटीग्रल मैटर है किसका इंडिया का ये सारी चीज यहाँ पर बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हसन मोहम्मद जी ने कहा है ओके दे वर फनेटिकल ग्रुप एंड बोथ बांग्लादेश एंड इंडिया वर्किंग टू अंडरमाइन द सोशल हारमोनी ठीक है कहा है कि दोनों कंट्रीज में चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो दोनों में फनाटिकल ग्रुप्स हैं ठीक है दे दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग टुवर्ड्स द तो, अंडर द सोशल हारमोनी ठीक है तो वो कंटिन्यूसली काम करे इसके रिगार्डिंग तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है ओके नाउ हम लोग थोड़ा सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये एक्ट एक्चुअली टू में पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको दो में ग्यारह दिसंबर दो में इसको पास किया गया था एंड इट अमेंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन ठीक है तो ये किसको अमेंड किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इसने अमेंड किया था ओके okay? ठीक है इसको इसको लिख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज नोट डाउन कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको एक्चुअली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था इलेवंथ ऑफ दिसंबर टू को ओके okay? और इट अमेंडेड सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन ठीक है इसने किसको अमेंड किया सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन को अमेंड किया बाई प्रोवाइडिंग अ पाथवे टू इंडियन सिटीजन फॉर परसक्टेड रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु आर हिंदूज सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन आप यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर मुस्लिम नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हिंदूज है सिख है बुद्धिस्ट है और जैन से पारसी और क्रिश्चियन है एंड अराइव्ड इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन ठीक है तो दो भी यहाँ पर दिसंबर दो हज़ार चौदह से पहले ठीक है चौदह से पहले जो भी यहाँ पर हिंदूज आ रहे थे और फ्रॉ द कंट्री अफगानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो भी यहाँ पर आ रहे थे चाहे वो हिंदू हो सिख हो बुद्धिस्ट हो जैन हो पारसी हो क्रिश्चन हो तो उनको कह लेंगे कि यहाँ पर सिटीजनशिप मिलेंगे दे आर वेरी मच एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओके द लॉ डज नॉट ग्रांड सच एजिबिलिटी टू मुस्लिम फ्रॉम दिस कंट्री ठीक है तो यहाँ पर लॉ ग्रांड नहीं करती है सच टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी टू द मुस्लिम फ्रॉम दिस कंट्री ठीक है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है मुस्लिम को ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं देती है ओके द एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट रिलीजन हैड बीन ओवरटली यूज एज अ क्रिएटन ऑफ क्रिएटन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द लॉ इंडियन लॉ एंड अट्रैक्टेड ग्लोबल क्रिटिसिज्म ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो ये बांग्लादेश के यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि जो सी है वो एक इंटरनल मैटर है किसका इंडिया का ओके okay, तो इसमें हम उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे और कोई भी यहाँ पर चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे ओके okay, और यहाँ पर जो फैनेटिकल ग्रुप्स है वो अपना काम कर रही हैं ठीक है थेके? ताकि यहाँ पर जो सोशल हार्मनी है वो मेंटेन रहे ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होप यू गॉट क्लैरिटी ओवर देयर मोदी कॉल्स फॉर रोड मैप टू डेवलप मानगढ़ धाम मानगढ़ धाम एज अ ग्लोबल ट्राइवल डेस्टिनेशन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मानगढ़ धाम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बताऊंगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर ये, इसकी यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट किया जाएगा और ये एक ग्लोबल ट्राइवल डेस्टिनेशन बनेगा आने वाले टाइम में ठीक है ग्लोबल ट्राइवल डेस्टिनेशन बनेगा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्रिस डे कॉल फॉर प्रिपेयरिंग रोड मैप टू डेवलप्ड मानगढ़ धाम इन राजस्थान राजस्थान के बंसनवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा एज अ ट्राइबल डेस्टिनेशन के तौर पर विथ अ प्रोमिनियंट आइडेंटिटी एट ग्लोबल लेवल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने बताया है कि राज, राजस्थान के बसंतवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा एज ए ट्राइबल डेस्टिनेशन के तौर पर विध प्रोमिनेंट आइडेंटिटी एट द ग्लोबल ओके मानगढ़ धाम जो कि सिचुएटेड है नियर गुज, राजस्थान गुजरात बाउंड्री ठीक है मानगढ़ धाम विच इज सिचुएटेड नियर राजस्थान एंड गुजरात बाउंड्री इज नॉन फॉर द मास्क ऑफ ट्राइबल्स पीपल By ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन 1913 ठीक है अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये जाना जाता है किसके लिए आप सबको पता है 1913 में एक एक्सीडेंट एक हुआ था एक बहुत ही बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी है और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से लगभग पंद्रह से सोलह सौ यहाँ पर ट्राइवल्स पीपल को मार दिया था ठीक है यहाँ पर एक मास्क्रेश हुआ था और उसी चीज़ के लिए जाना जाता है मानगढ़ धाम ठीक है जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर ओके और ये इट इज़ वेरी मच नोन फॉर द मैस ऑफ़ पीपल्स बाई British Indian Army in 1930. Okay? Addressing a public meeting at Mangar Tham to mark the anniversary of the incident. एंड कॉमरेट द tribal ट्राइबल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु ठीक है तो गोविंद गुरु के जो यहाँ पर यहाँ पर कॉम्रेशन और इंसीडेंट्स जो भी यहाँ पर हुई थी उसको मार्क करने के लिए उसको मार्क करने के लिए यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ये सारी चीज़ यहाँ पर बनाएंगे ठीक है ताकि जो लोग हैं इस चीज़ को याद रखें ठीक है जो लोग हैं उस चीज़ को याद रखें इंसीडेंट को यहाँ पर याद रखें ओके नियरली फिफ्टीन हंड्रेड भिल्स ट्राइब्स जो कि विल्स uh, ट्राइब्स थे फॉरेस्ट डवेलर्स थे वो मारे गए थे इन हिल uh, इन मानगर और नवंबर सेवनटीन नाइनटीन थर्टी ठीक है तो जब यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने ओपन फायर किया था ऑन द प्रोटेस्टर हुवर डिमांडिंग ऑबोलेशन ऑफ uh, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एंड रिलेक्सेसन एंड हैवी एग्रीकल्चरल टैक्सेस इम्पोज बाई द रूलर्स एंड स्टेट्स ठीक है तो यहाँ पर लगभग पंद्रह सौ जो भी ट्राइब्स थे और फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी जाने गई थी ठीक है ऑन सेवनटीन ऑफ नवंबर 1930 जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने ओपन फायर कर दिया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर ठीक है तो जो भी प्रोटेस्टर थे वो डिमांड कर रहे थे कि जो बॉन्ड लेबर सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए उसको अबॉलिश किया जाए और या फिर जो हैवी एग्रीकल्चरल टैक्सेस है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए तो इस टाइप के जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर ओपन फायर किया गया और उस टाइम पर लगभग पंद्रह सौ ट्राइब्स और फॉरेस्ट डेलर्स की जान गई थी उसी की याद में हम लोग यहाँ पर है जो मानगढ़ धाम है उसको यहाँ पर बनाने की बात की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओके द ट्राइब्स इन द सदर्न राजस्थान रीजन वेअर लेड बाय गोविंद गुरु ठीक तो जो ट्राइब्स थे इन द सदर्न राजस्थान रीजन वो किसके द्वारा लेट किए जाते थे वो गोविंद गुरु जी के द्वारा लेड किए जाते थे ओके मानगढ़ धाम वॉज शेयर्ड हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ़ राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र देर फॉर द फोर जो जो चारों गवर्नमेंट है वो मिलकर इस चीज़ को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे रोड मैप इन, इनका बनाया जाएगा ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द द डेवलपमेंट ऑफ़ द मानगढ़ धाम विल मेक दिस एरिया अ प्लेस ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द न्यू जनरेशन ओके सो गैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह सारी चीज़ें स्टेटमेंट में कहा गया है ओके सो गैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होप यू गॉट क्लैरिटी मानगढ़ धाम के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्या इंसीडेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें बताने की बात की गई है ओके तो याद रखिएगा डेट सेवेंटीन ऑफ नवंबर को नाइनटीन uh, थर्टी में ये इंसिडेंट हुआ था और इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए एक्चुअली uh, uh, देखने के लिए गए थे और यहाँ पर इन्होंने ये एड्रेस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप के लिए बताया है कि वो डेवलप करेंगे मानगढ़ धाम के लिए एक रोड मैप ओके okay? ताकि वो ग्लोबल डेस्टिनेशन डे, ग्लोबल ट्रैवल डेस्टिनेशन बने ओके होप यू वट क्लैरिटी ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज एट एस मीटिंग एट एस टी ओ मीट जयशंकर टारगेट बी आर आई ठीक है तो अभी एस सी ओ के जो मीट है वहाँ पर जयशंकर जो जयशंकर सर हैं उन्होंने टारगेट किया किसको इसको बी आर आई को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टारगेट करते हुए कहा है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स मस्ट रिस्पेक्ट सॉवरचुनिटी इशू अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इन्होंने टारगेट कहते हुए कहा है कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो सॉवर्चुनिटी को रिस्पेक्ट करने चाहिए जो भी सॉवर्जुनिटी इशूज हैं उसको रिस्पेक्ट करने चाहिए ओके इन रेफरेंस टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव at a virtual meetings of Shanghai corporations organization heads or uh, headed of government hosted by chinese premier likewise on tuesday okay dr jason pushed more uh, for more trade through iran chabar post uh, port and international north uh, north south transport uh, corridors that india is a part of इविंग्स टू इम्प्रूव बायोट्रल रिलेशन बायोलेट्रल ट्रेड और विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज ठीक है तो लगभग इंडिया बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो बायलेट्रल ट्रेड्स हैं ये इंप्रूव हो जाए किसके साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उसके साथ ओके अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया इंडिया इज ऑन अ पाथ टू इम्प्रूव द बाइलेट्रल रिले और बायलेट्रल ट्रेड बिटवीन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एज वेल एज अद इंडिया ओके स्वागैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाव कुछ मैं आपको एस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ लिख लीजिएगा एस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो एस है ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल स्कोप्स पॉपुलेशन कवरिंग अप्रॉक्सिमेटली सिक्सटी ऑफ एरिया ऑफ़ यूरेशिया ठीक है तो लगभग साठ यूरेशिया का जो एरिया है वो कवर करता है है लगभग वर्ल्ड पॉपुलेशन के 40 परसेंट ठीक है पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है लगभग 40 इसमें लाइज करती है और पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल जीडीपी है मोर देन 30 परसेंट इसके अंदर लाइक करती है ओके अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो ए है वो किसका सक्सेसर है वो संघाई फाइव का सक्सेसर है और संघाई फाइव कप फॉर्म हुआ था 1996 में ठीक है तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ए किसका सक्सेसर है संघाई फाइव का और संघाई फाइव कब बना था 1996 में बिटवीन द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया और तजाकिस्तान ठीक है तो इसमें पाँच थे संघाई फाइव ठीक है तो फाइव यहाँ पर कंट्रीज़ थे कौन कौन से चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया और तजाकिस्तान ऑन जून टू ऑन जून ऑन फिफ्टी ऑफ जून टू थाउजेंड वन द लीडर ऑफ दिस नेशन उजबेकिस्तान मेट इन संघाई टू अनाउंस अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विध डीपर पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ठीक है तो लगभग पंद्रह जून दो हज़ार एक को आ, इन नेशनस के जो लीडर्स थे और उज्बेकिस्तान उन्होंने क्या किया संघाई में मीटिंग की और कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशन न्यू ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एस सी ओ इसका फॉर्मेशन वहाँ पर उस टाइम पर हुआ ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा एंड एस सी ओ के जो चार्टर्स थे इसको साइन किया गया सेवंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड टू को ठीक है तो एस सी ओ के चार्ट थे इनको सात जुलाई दो हजार दो को साइन किया गया और यहां पर अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी आपको ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आपको इंडिया भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर पाकिस्तान भी मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको इट्स मेम्बरशिप हैज़ एक्सटेंडेड एक्सपैंड टू एट स्टेट ठीक है तो यहाँ पर आठ इसके मेंबर हैं और इंडिया एंड पाकिस्तान ने लगभग नौ जून दो हजार सत्रह को इसको ज्वाइन किया था ठीक है तो इंडिया और पाकिस्तान ने नौ जून दो हज़ार सत्रह को इसको ज्वाइन किया था ओके एंड द एस सी ओ इज गवर्न बाई द हेड ऑफ हेड ऑफ़ स्टेट काउंसिल ठीक है तो एस सी ओ किसके द्वारा गवर्न किया जाता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल के द्वारा एंड इट सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी विच मीट वंस इन अ ईयर ठीक है तो लगभग ये एक साल में एक बार मिलते ही मिलते हैं ठीक है थीके? और इसको हेड ऑफ स्टेट काउंसिल के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है इसमें आठ मेंबर लिख लीजिएगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आठ मेंबर है ओके okay, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में और ये किसका सक्सेसर है संघाई फाइव का ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी यहाँ पर और कोई डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सो लेट्स मूव अहेड यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी ओके आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स प्रेस ठीक है यहाँ पर आते हैं हम लोग दस सीट टू नाइन फाइव एन इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया हुआ है आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यहाँ पर जो ये जो एक्चुअली जो फाउंडेशन यहाँ पर स्टोन रखा गया था ना जो एक नीव रखा गया था ना कि जो सी टू नाइनटी फाइव यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसकी जो मैनुफैक्चरिंग करी जाएगी कहाँ पर बदौद्रा में वो यहाँ पर पूरा आर्टिकल एक्चुअली पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे क्या किया जाएगा ठीक है सिविल एविएशन का आज के डेट में क्या रोल है एज कम्पेयर टू डिफेंस एविएशन ठीक है यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं आपको बताऊँगा

या आप लिख लीजिएगा किसके द्वारा किया गया था थर्टीथ ऑफ अक्टूबर को ठीक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा ठीक है एक नींव रखी कि जो सी टू के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पर की जाएगी वडोदरा में और इसको सेटअप कौन करेगा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसको सेटअप करेगा अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट प्राइवेट सेक्टर कंपनी वुड बी मैन्युफैक्चरिंग अ फुल एयरक्राफ्ट इन द इन द कंट्री ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पहली बार है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं वो इन्वॉल्व है और वो पूरा एयरक्राफ्ट को बनाएगी ठीक है पूरे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी इन द कंट्री तो ये पहली बार है ओके एंड दिस इज अ ह्यूज़ स्टेप फॉर टुवर्ड्स फॉर दिस इज़ अ ह्यूज़ स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडिया इन अ ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग डोमेन ओके नाउ हम लोग टू नाइन्टी फाइव इसको हम लोग डिस्कस करते हैं टू नाइन्टी फाइव एयरक्राफ्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं तो द सी टू नाइन्टी फाइव इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ठीक है ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका लगभग बताया जा रहा है कि वेट फाइव टू टेन टन का इसकी यहाँ पर इसका लगभग कैपेसिटी बताया गया फाइव टू टेन टन की इसकी कैपेसिटी होगी विच विल रिप्लेस लेगेसी एवरो एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर जो लिगेसी जो लिगेसी एवरो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स में जिसको प्रोक्योर किया गया था नाइनटीन सिक्सटीज़ के टाइम पर ठीक है उसको ये रिप्लेस करेगा सी टू ठीक है एक ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिखिएगा ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी कैपेसिटी फाइव टू टेन टन है ठीक है लगभग पाँच से दस टन की इसकी कैपेसिटी है और लेगेसी एवरो एयरक्राफ्ट को ये क्या करेगा रिप्लेस करेगा फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स जिसको प्रिक्योर किया गया था नाइनटीन के टाइम पे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वॉज इशूड टू द ग्लोबल फिम इन मे टू ठीक है एंड द सोल बीड्स बाय द एयर बस एंड टाटा टी एस एल

एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद एयरबस डिफेंस स्पेस फॉर द एक्विजिशन ऑफ 56 C29 uh, 295 एयरक्राफ्ट्स ठीक है अगेन इट वेरी इंपोर्टेंट कि दो लगभग जो आ, कितने 56 सिक्स सी टू के जो एयरक्राफ्ट हैं ये प्रोक्योर करेंगे आ, यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ओके नाव यहाँ पर एक्चुअली जो 56 सिक्स एयरक्राफ्ट हैं ये एक्चुअली आएंगे कैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो 56 में से 16 एयरक्राफ्ट होंगे ना जो 16 एयरक्राफ्ट होंगे जो उसमें से जो बनेंगे कहाँ पर स्पेन में ठीक है वो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे कहाँ से स्पेन से वो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे बिटवीन सेप्टेम्बर टू एंड अगस्त टू के बीच में हमें फ़िफ्टी में से सोलह मिल जाएंगे ठीक है तो बच गया कितना चालीस बच गया और 40 मैनुफैक्चर्ड कहाँ किया जाएगा वो इंडिया के वडोदरा में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा आउट ऑफ 56, 16 विल कम इन फ्लाई वे कंडीशन फ्रॉम स्पेन बिटवीन सितंबर 2023 ट्वेंटी टू अगस्त ट्वेंटी एंड रिमेनिंग फोर्टीन विल भी मैनुफेक्चर्ड इन इंडिया ओनली बिटवीन टू टू थर्टी अगेन इट्स इंपॉर्टेंट एट द रेट ऑफ एट एयरक्राफ्ट पर ईयर ठीक है तो लगभग आठ एयरक्राफ्ट एक साल में बनाया जाएगा उसी के रेट में यहाँ पर बताया गया नियरली टू Engineers will be trained at the Airbus uh, Airbus facility in Spain for the project. ticket approximately 240 engineers could train at Airbus facility in Spain for the project. MOD said. ticket MOD Ministry of Defence. So C2000 C295 has very uh, good fuel efficiency and can take off. uh Take off. लैंड फ्रॉम शॉट एज वेल अनप्रिपेयर रन वे ठीक है सर अगेंट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया इसकी फ़ीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं कि इसकी खासियत क्या है सी टू नाइन्टी फाइव की खासियत है कि ये एक वेरी गुड फ्यूल एफिशियसी के साथ ही यहाँ पर ये रन कर सकता है और यहाँ पर रनवे की भी यहाँ पर अनप्रिपेयर्ड जो रन वे है उस पर भी ये अच्छे से यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है ठीक है सर so एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक जो एयरक्राफ्ट होता है उसको एक बहुत ही अच्छा रन वे चाहिए होता है ठीक है बहुत ही अच्छा रन वे चाहिए होता है चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो लेकिन ये इस

फरेंट कंट्रीज द एयरक्राफ्ट हैज़ अचीव मोर देन फाइव लाख फ्लाइट आर्स, ठीक है तो लगभग पांच लाख फ्लाइट आर्स को एयरक्राफ्ट ने अचीव किया है एंड द नेवी एंड द कोस्ट गार्ड हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन सी टू नाइन्टी फाइव एंड इट कैन भी यूज इन सिविल सिविलियंस रोल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट इन द फ्यूचर्स ठीक है तो इसको सिविलियंस के रोल के तौर तो पर भी और एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट uh, में भी इसको यूज किया जा सकता है आने वाले फ्यूचर में ओके दी ट्वेंटी सी टू नाइन्टी फाइव इज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ ए एन थ्री थर्टी टू एयरक्राफ्ट वर्कोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स विद ओवर हंड्रेड ऑफ दम इन सर्विस ठीक है सो गैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाव यहाँ पर बताया गया है कि लगभग लास्ट दो डिकेट मतलब कि 20 सालों से इंडियन जो कंपनीज हैं बहुत पब्लिक हो या फिर वो प्राइवेट हो हैव स्टिडली एक्सपेंडेड दिए फुटप्रिंट इन ग्लोबल सप्लाई चैन ऑफ मेजर डिफेंस एंड एरोस्पेस मैनुफेक्चरिंग सप्लाई और रेंज ऑफ कंपोनेंट सिस्टम एंड सब सिस्टम ठीक है तो लगभग दो डिकेड दो डिकेड का मतलब हो गया एक डिकेड का मतलब हो गया दस साल तो दो डिकेड का मतलब हो गया कि बीस साल ठीक है तो बीस सालों से सा हमने ये देखा है कि जो इंडियन कंपनी है चाहे वो बोथ प्राइवेट हो या चाहे वो आपके पब्लिक हो और उन्होंने यहाँ पर स्टीडली एकपेंडेड एक 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 यहाँ पर देखा है उस किस चीज़ में यहाँ पर डिफेंस में हो ठीक है यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग की चीज़ें हो चाहे वो डिफेंस से एयर स्पेस से यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एक कंपटिटली यहाँ पर एक एक्सपेंडिश यहाँ पर देखने को मिला है ठीक है तो हमने यहाँ पर एक कंपिटिवली यहाँ पर एक बूस्ट देखने को मिला है किसका डिफेंस में यहाँ पर हमने देखा है एंड बोइंग सोर्सेज फ्रॉम इंडिया स्टैंड एट वन बिलियन एनवली ऑफ ओवर सिक्सटी परसेंट इज इन मैनुफैक्चरिंग ठीक है तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क इसका बोइंग का एक बहुत अच्छा नेटवर्क बताया गया विद हैविंग थर्टी थ्री हंड्रेड प्लस सप्लायर पार्टनर्स ओवर ट्वेंटी फाइव परसेंट आर माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ठीक है तो ब्रोइंग जो बोइंग है वो ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल इंजीनियर्स टीम है इन द कंट्री विद ओवर थ्री हंड्रेड इम्प्लॉयर्स ठीक है तो लगभग तीन हज़ार से ज़्यादा इसके अंदर एम्पॉयर्स हैं ओके और इंडिया ने अब तक चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो अब तक का बहुत ही अच्छा यहाँ पर इतिहास रहा इंडिया का कि पहले के मुकाबले हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड किया है इन द डिफेंस सेक्टर इन द इन द एक्सपोर्ट ठीक है तो चाहे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो चाहे वो एविएशन से रिलेटेड हो चाहे वो एरोस्पेस से रिलेटेड हो हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड किया है फ्रॉम फ्राम द डे बिफोर वेर वी आर इनटीन फिफ्टी बताई गई है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लेकर चाहे वो हो गया आपका चिनी हेलीकॉप्टर को लेकर यह सारी चीज यहां पर बताई गई okay? है ओके ना डोमेस्टिक जो डिफेंस मैनुफैक्चरिंग इको सिस्टम है विल गेट अ बोस्ट विद सी टू नाइनटी फाइव प्रोजेक्ट एज इट लीड द डेवलपमेंट एज ए स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरोस्पेस इको सिस्टम नॉट ऑनली इन एंड अराउंड वडोदरा बट अक्रॉ द कंट्री ठीक है तो जो डोमेस्टिक तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इकोसिस्टम है इसको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है प्रोजेक्ट एज इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरोस्पेस नॉट ओनली इन बडोदरा बट ऑल्सो अक्रॉस द कंट्री ओके सो बेंगलुरु एंड हैदराबाद ऑलरेडी हैड ऑलरेडी हैव डेवलप्ड सच एरोपेस एंड डिफेंस डोमेन ओवर द ईयर ठीक है तो बेंगलुरु और हैदराबाद में पहले से ही हमने देखा है कि एरो स्पेस और डिफेंस डोमेन है पहले से ही ओके द सी टू नाइनटी फाइव प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मोर दैन फिफ्टीन थाउजेंड स्किल्ड डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट जॉब अक्रॉस द एरो स्पेस इको सिस्टम ठीक है तो लगभग जो सी ट्वेंटी टू नाइन्टी फाइव जो प्रोजेक्ट है इसके इससे बताया जा रहा है कि जो इससे क्या होगा लगभग पंद्रह हज़ार के आसपास स्किल्ड डायरेक्ट और इन डायरेक्ट जॉब अक्रॉस द एरोस द यहाँ पर कंट्री आपको मिलने वाले हैं ये सारी चीज यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में। ओके, सो होप यू क्लैरिटी यहां पर यही सारी चीजें थी और यहां पर बहुत सारी यहां पर बताया गया कि जो इस इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर ग्रोइंग तो इंडिया का जो सिविल जो एविएशन सेक्टर वो ग्रो कर रहा है ऑफकोर्स ग्रो कर रहा है बहुत ही पहले से मुकाबले पहले के मुकाबले ऑफकोर्स ये बहुत ही बड़े सेक्टर पर आप आगे हैं एज़ कम्पेयर टू डिफेंस ठीक है तो इंडिया हैज़ मच बिगर फुटप्रिंट इन सिविलाइजेशन मैनुफैक्चरिंग दैन डिफेंस ठीक है तो डिफेंस के मुकाबले इंडिया का जो सिविलाइजेशन जो मैनुफैक्चरिंग है ये बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करता जा रहा है ये हम देखेंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलता है ओके और ये सारी चीज़ों से बस एक ही चीज़ होगा आप सबको पता है कि जो मेक इंग इन इंडिया है और मेक फॉर द ग्लोब है इसको एक बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इसके इससे हमारे जो पोटेंशियल है इससे हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं सी टू नाइनटी फाइव के टू नाइनटी फाइव के यहाँ पर ये जो बॉडी है यहाँ पर यह, यह बनाई गई है ओके सो होप यू वट क्लैरिटी पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा अच्छे से मैंने आपको अच्छे से समझा पाया गया होगा, ओके अगर आपको अभी भी कोई डाउट है दैन प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और लेट्स मूव हेट और यहाँ पर और कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से सो लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन ठीक है तो एडिटोरियल सेक्शन में एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया हुआ जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये एक्चुअली बात है देखिए इकनॉमी की बात है इकनॉमी में अप डाउन होते रहते हैं सर्जेस आते रहते हैं अप स्टिक्स होते रहती है डाउन स्ट्रीम्स आते रहते हैं ठीक है तो हम इसको जानते हैं और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन्स हैं ठीक है वो फॉरकास्ट करते हैं ठीक है वर्ल्ड बैंक फॉरकास्ट करती है ठीक है आई बी फॉरकास्ट करती है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉरकास्ट करते हैं इंडिया की इकनॉमी को बताते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया ग्रो करेगा ठीक है अपने फॉरकास्ट को कट ऑफ भी करते हैं बताते हैं कि नहीं एट पॉइंट फाइव से नहीं एट पॉइंट वन से इंडिया ग्रो करेगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है पहले बताया गया है कि पहले हम बहुत ही अच्छे से अब जो नाइनटीन फिफ्टीज से नाइन्टीन नाइन्टीज़ के टाइम पर यहाँ पर बताया गया कि उस टाइम पर ग्रोथ इंडिया में उतनी थी नहीं ठीक है बट नाइनटीन नाइन्टीज़ के बाद यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिला डिकेड वाइज यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला और उसके बाद हम देखेंगे कि एक ऐसा टाइम आया कि फिर से ये जो इकनॉमी थी वो माइनस में चली गई थी टू थाउजेंड के टाइम पर हम देखेंगे कि जो इकनॉमी थी वो माइनस में चली गई थी ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ठीक है उसके बाद हमने फिर से स्टार्टअप लिया ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया और नथिंग इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक है तो इस आर्टिकल को हम लोग नहीं लेकिन इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया है वो रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन फाइट ठीक है तो क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीकेस्ट लिंक बताया गया है आर्टिकल में ऑथर के द्वारा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे In, a, in the fight against air pollution in the Indo Gangetic Plains, there were several important protagonists, no, uh, none more so uh, than uh, the India Frontline Environmental Regulator, the State Pol uh, Pollution Control Board, and the Pollution Control Committee in the Indian Territory. Their primary roles is to regulate emission from the point source, such as industries, power plants that contribute substantially to ambient air pollution in rulers and urban areas. Again, very important. Uh, they can't committee. होती है जितने भी बोर्ड्स होते हैं चाहे वो एस हो गए चाहे वो पीसीसी हो गए ओके तो इन सबका प्राइमरी रोल क्या है यहाँ पर ऑथर के द्वारा प्राइमरी रोल बताया गया है ठीक है तो इनका प्राइमरी रोल क्या है कि जो एमिशन हो रहा है उसको रोकना है ठीक है चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो रहा हो चाहे वो पावर प्लांट से हो रहा हो उन सबको रोकना है ताकि जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है और जो एयर पॉल्यूशन आपके अर्बन एरियाज में हो रहे हैं रूरल एरियाज में हो रहे हैं वो ना बढ़े ठीक है वो ना हो और ये सारे आर्टिकल्स एक्चुअली आ क्यों रहे हैं कि देखिए जो दिवाली था इसमें दिल्ली में क्या हुआ था ना जो कैपिटल में दिल्ली में एक्चुअली सात आठ साल में ये पहली बार हुआ था कि दिवाली के एक दिन बाद जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है इसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था ठीक है एक्चुअली 300 के थ्री हंड्रेड वन या टू के आसपास था ठीक है तो ये सर्व कंडीशन नहीं था ठीक है ये सात साल में हमने पहली बार हमें देखने को मिला था ओके बट आफ्टर दैट आफ्टर ऑनवर्ड हम देखेंगे कि कुछ दिन दो तीन दिन के बाद हमें क्या हुआ कि जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सर्व में चली गई मतलब कि फोर का जो आंकड़ा है ये क्रॉस चला गया ठीक है तो इसकी वजह से ये सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है नाउ मोर रिसेंटली दे हैव ऑल्सो बिन टास्क विथ गाइडिंग सिटीज़ गाइडिंग सिटीज़ इन मीटिंग टारगेट्स अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एंड स्पेंडिंग फाइनेंशियल कमीशन ग्रांटेड फॉर द एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ठीक है फॉर गेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा नाउ एनहैस मैंडेट ओके यहाँ पर एनहैंस मैंडेट के बारे में बात किया गया है एस पी सी बी इज ओके वे आर इनिशियली कंस्टिट्यूटेड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर ठीक है तो एस पी सी बीज किसके अंदर आती है इट्स कम्स अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर ओके अंडर द एयर Prevention and Control Pollution Act 1981 the SPCB's mandate were expanded to include air quality एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ठीक है सॉगैंड वेरी इसके अंतर्गत SPCB's uh, पी सी बीज के जो मैंडेट्स है इसको एक्सपैंड किया गया ठीक है इसको क्या किया गया एक्सपैंड किया गया और इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया किसको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया किसके अंदर अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन एटी वन के तहत इसको क्या किया गया इसके मैंडेट्स को जो है उसको एक्सपैंड किया गया सब्सिक्वेंटली जो सेवरल्स न्यू इन्वामेंटल रेगुलेशन है विच वर एडेड टू दियर रोल एंड फंक्शन अनफॉर्चुनेटली दिस एन्हैंस मैंडेट हैज़ नॉट बीन मैस्ड विध इंक्रीज कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इन द बोर्ड ठीक है तो जिस मैंडेट जिस मैंडेट को बढ़ाया गया था जिस मैंडेट को इस बोर्ड के अंदर इंक्लूड किया गया था उसमें हमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले ठीक है हम जो चाहते थे वो यहाँ से हमें देखने को नहीं मिला ये यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है ठीक है एज इन्वायॉर्मेंटल इंडिकेटर्स सचेज एयर क्वालिटी वाटर क्वालिटी वर्सन इन many पार्ट ऑफ द कंट्री द बोर्ड आर एविडेंटली फेलिंग टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज their statutory mandates ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी है कैसे लगभग सारी कंट्रीज में चाहे वो कंट्रीज हो गए ठीक है बहुत सारे स्टेट्स में ठीक है आप यहाँ पर मैं बात करूँ दिल्ली की ठीक है बात करूँ मैं मुंबई के जो मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं इन आर कंट्री उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाटर की क्वालिटी है जो एयर की जो क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्न है ठीक है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ठीक है और ये बहुत सारे स्टेट में ऐसी नहीं है कि दिल्ली और मुंबई की बहुत सारे स्टेट की मैं बात कर रहा करूँ ओके और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये बोर्ड है ये जो कमेटी है ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है ठीक है प्रॉपर्ली अपने ड्यूटी को ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर पा रही ये यहाँ प्रॉजेक्ट के द्वारा कहा गया है ठीक है तो इट्स मैंडेट को यहाँ पर फुलफिल नहीं किया कर पा रही है एस पी सी बीज ओके तो यहाँ पर रीजन्स बताए गए हैं एक्चुअली वॉट आर द रीज़न्स कि ये जो कमेटी है ये जो बोर्ड है इस ये जो मैंडेट्स हैं जो मैंडेट को एक्सपैंड किया गया था अंडर द वाटर अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन एटी वन इस मैंडेट को बढ़ाया गया था कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पर एस पी सी बीज यहाँ पर उसको देखेंगे तो इस मैंडेट को यहाँ पर ये यह पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीजन्स हैं ठीक है क्या रीज़न है कि वो इस मैंडेट को पूरी नहीं कर पा रहे ये ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया है ओवर द ईयर्स रिपोर्ट्स डेट हैव बिन पब्लिश ठीक है तो बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो पिछले कई सालों से पब्लिश होती जा रही है बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी गवर्नमेंट कमेटी और उन्होंने उन्होंने आइडेंटिफाइड किए रीज़न्स फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एस पी सी बीज ठीक है तो उन्होंने क्या किया है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि वॉट वर द रीजन फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एस पी सी बीज ठीक है तो क्या रीजन्स है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर पुअर देखने को मिल रही है ठीक है तो ये कुछ हम यहाँ पर रीजन्स uh, को हम लोग डिस्कस करेंगे तीन रीजन यहाँ पर ऑधर के द्वारा बताया गया है ओके okay? पहला रीजन दैट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एस पी सीबीज इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न मैटर ऑफ़ सीरियस कंसर्न ठीक है जो कॉम्पोजिशन है किसका एस पी सी बीज का जो फॉर्मेशन है ठीक है इसकी बनावट है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है एज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एंड दो विद क्रूशियल एक्सपर्टाइज आर मिसिंग इन द मोस्ट स्टेट ठीक है तो यहां पर बताया गया है कि जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं ठीक है थीके? और जो क्रूशियल एक्सपर्टाइज है दे दस ऑल आर मिसिंग इन द मोस्ट स्टेट ठीक है तो लगभग लगभग सारे स्टेट में ये सारे यहाँ पर मिसिंग है बोर्ड्स आर मल्टी मेंबर बॉडीज हेटेड बाय अ चेयरपर्सन एंड मेंबर सेक्रेटरी ठीक है तो जो बोर्ड्स हैं इसमें मल्टी मेंबर बॉडीज़ होते हैं जिसके जिसके अंदर एक हेड होता है और जो एक मेंबर सेक्रेटरी होता है ठीक है इसको हेड करता है चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी होता है दियर डिसीजन एंड पॉलिसी पॉलिसीज़ गाइड द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो उनके डिसीजन और पॉलिसीज डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं ठीक है थीके? जैसे कि मान लीजिए कि चेयरपर्सन है और जो मेंबर सेक्रेटरी है उनके जो डिसीजन होंगे वो उसी के बेसिस पे वो डे टू डे काम करते हैं ओके एंड ओवर 50 परसेंट ऑफ द बोर्ड मेंबर अक्रॉस द टेन एस पी सी बीज एंड पी सी सी स्टडी रिप्रेजेंट्स पॉलिशियन पोटेंशियल पॉलिटर लोकल अथॉरिटीज़ इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक पब्लिक सेक्टर ऑफ कॉपरेशन ठीक है आप इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ देखिए एस पी सीवीज़ की क्या प्रॉब्लम हो रही है पहले यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है कि जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है ठीक है हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को यहाँ पर देखने के लिए जो एयर क्वालिटी में जिस फील्ड में मान लीजिए एयर क्वालिटी की मैनेजमेंट को देखने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जिसको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्या होगा नॉलेज होगा ठीक है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगा तो ऐसे एक्सपर्ट इसमें नहीं है ऐसे एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस टाइम पर लगभग यहाँ पर देखेंगे

एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा उनको नॉलेज होनी चाहिए और वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर ये यह बताया गया है कि हमें पहले उसकी रिगार्डिंग काम करना होगा ठीक है अगर हमें एयर क्वालिटी वाटर क्वालिटी को हमें सही करना है तो ऐसे जो जो पी पी हैं ठीक है ठीके? जो जो यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया कि जो ऐसे जो बोर्ड्स हैं ठीक है ऐसे जो एस हैं तो इनमें क्या हो गया जो कमेटी है उनके जो बोर्ड में जो बोर्ड मेंबर है उनमें पहले हमें नॉलेजेबल पर्सन को इंक्लूड करने की ज़रूरत है उनकी अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत है ये यह यहाँ पर ऑथर के द्वारा पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है ठीक है तभी जाके यहाँ पर कंडीशन को कंडीशन uh, इंप्रूव होगा ठीक है ना यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो एस पी के जो लीडरशिप है ठीक तो है जो जो चेयरपर्सन है चाहे वो मेबर सेक्रेटरी हो गया ठीक है चाहे वो चेयरपर्सन हो गया उनके पास एक लॉन्ग एंड स्टेबल और फुल टाइम टेन्यूर यहाँ पर नहीं होता है ठीक है उनके पास यहाँ पर लॉन्ग स्टेबल एंड फुल टाइम टेन्यूर यहाँ पर नहीं होता है लगभग जितने आपके एसपीसीबी के जो चेयरपर्सन होते हैं और मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो यहां पर बहुत ही कम टाइम के लिए यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं ठीक है लगभग एक साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और भी यहां पर सामने शॉर्टेस्ट पीरियड देखा यहां पर एग्जाम्पल में बताया गया है ओके, सो इन मेनी स्टेट पर्सन ऑफ दिस टू पोस्ट होल्डिड एडिशनल चार्ज ऑफ इन अदर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स ठीक है तो ये जो दो पोस्ट पे यहाँ पर जो पर्सन होते हैं इनको और भी एडिशनल चार्जेस यहाँ पर दिए जाते हैं इन अदर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट एंड डाटा ऑल्सो शोड दैट द सेवल चेयरपर्सन एंड मेम्बर सेक्रेटरीज हैव हेल्थ दियर पोस्ट फॉर लेस दैन लेस दैन अ इयर ठीक है तो लगभग एक साल से भी कम यहाँ पर पोस्ट होल्ड कर चुके हैं ऐसे भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं ठीक है जैसे कि शॉटेस्ट टेन्यूर फॉर द चेयरपर्सन हैजिन एटीन डेज छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है अठारह दिन का टेन्यूर ओके और द मेंबर सेक्रेटरी का अगर शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करें तो 15 डेज का है और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला है तो ये सारी चीजें यहाँ पर यहाँ पर क्लियर होने की जरूरत है ठीक है तो ये यहाँ पर सारी चीजें ऑथर के द्वारा बताया गया है विद द फोकस ऑफ लीडरशिप ऑफ एसपीसीबी इज स्प्रेड थिन अक्रॉस मल्टीपल्स रोल्स एंड देयर टेन्योर बीइंग शॉर्ट ऑफन दे आर ऑफन दे डोंट इवन have the time to understand their mandates fully before they moved out in such scenario long term policy planning long term policy planning strategic intervention and effective uh, execution एम्स एट रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन सब्सटेंसली वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ठीक है तो मान लीजिए अभी एक टेन्यू अभी मान लीजिए कि अभी एक अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन को और मेबर सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया उनके पास उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं ठीक है अब मान लीजिए उनको अपॉइंट किया गया छः सात महीनों के लिए अपॉइंट किया गया है ठीक है अब वो छः सात महीने में वो कर की क्या पाएंगे कुछ नहीं कर पाते हैं ठीक है छः सात महीने में वो कुछ नहीं कर पाएंगे वो जो सिचुएशन है उसको समझने में ही उनको छः सात महीने लग जाएगा और छः सात महीने जब तक वो समझेंगे तब तक उनका टर्न ओवर पूरा हो जाएगा और वो चले जाएंगे और नई मेंबर्स उसके अंदर अपॉइंट हो जाएंगे तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक उस पर काम कैसे करेंगे तो उनका टेन्यूर को हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है एक यहाँ पर स्टेबल और यहाँ पर एक जो टेन्यूर यहाँ पर जो शॉर्ट है उसको यहाँ पर लॉन्ग करने की जरूरत है जो एक साल के जो टेन्यूर है उससे भी कम का जो टेन्यूर है उसको यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पर ऑथर के द्वारा यहाँ पर कहा गया है ना तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो एस है इसके अंदर जो स्टाफ है वो अंडर स्टाफ है मतलब कि जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मीट नहीं हो पा रही जो यहाँ पर अथॉरिटी ऑथराइजेशन है वो यहाँ पर नहीं मीट कर पा रही ठीक है जैसे कि मान लीजिए अगर एक यहाँ पर बोर्ड है उसमें मेंबर्स की जो ऑथराइजेशन है पाँच पचास के आसपास है ठीक है और मान लीजिए यहाँ पर जो ऑथराइजेशन पचास है और यहाँ पर अब तक पचास मेंबर नहीं है लगभग तीस पैंतीस ही मेंबर है ठीक है तो यहाँ पर पंद्रह पोस्ट खाली है ठीक है पंद्रह पोस्ट खाली है वही यहाँ पर बताया गया कि जितने सैंक्शन पोस्ट हैं वो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर नहीं है ठीक है पूरे नहीं है एटलीस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ ऑल सैक्शन पोस्ट आर वैकेंस ठीक है तो यहाँ पर बताया गया कि लगभग 40 परसेंट यहाँ पर जो सैक्शन पोस्ट हैं वो क्या है वैकेंट है अक्रॉस नाइन एस पी सी बी एस और पी सी सीज फॉर विच डाटा इज़ फॉर विच देर इज डाटा ठीक है तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लगभग 40 परसेंट ऑफ ऑल सैक्शन पोस्ट आर वैकेंट ठीक है तो जो भी सैक्शन पोस्ट हैं चालीस परसेंट के आसपास ये क्या है वैकेंट है इन नाइन एस पी सी बीज ठीक है एंड वैकेंसी लेवल्स इन टेक्निकल पोजिशन आर वेरी मच हाई इन एटी फोर परसेंट इन झारखंड ठीक है तो झारखंड में आप देखेंगे एट्टी फोर परसेंट के आसपास ठीक है बिहार में आप देखेंगे सेवेंटी फाइव परसेंट के आसपास और हरियाणा में भी देखेंगे आप सेवेंटी के आसपास ठीक है तो यहाँ पर एक इनएडिकुएट स्टाफ की स्ट्रेंथ ठीक है तो यहाँ पर इनएडिकुएट स्टाफ की स्ट्रेंथ है तो आप एक इनएडिकुएट स्टाफ की स्ट्रेंथ के साथ मिलकर आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक है ऐसे स्तर पर आप इनएडिकुएट स्टाफ की स्ट्रेंथ के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है ठीक है तो पहले इसको फिलफिल कीजिए ठीक है जो आपकी पोस्टें खाली हैं उसको आप फिलफिल कीजिए ताकि हम आगे आने वाले टाइम पे सारी चीज़ों का हम यूज़ कर पाएँ ओके सो यहाँ पे जो लेस स्टाफ स्ट्रेंथ है इसका और मकसद यहाँ पे बताया गया है कि वीक रेगुलेटरी स्क्रूटिटी को यहाँ पर दिखाता है पूर इंपैक्ट असेसमेंट को यहाँ पर दिखाता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है ऑथर के द्वारा ठीक है सो होप यू गॉट क्लैरिटी यहाँ पर तीन चीज़ें बताई जाती है मैं आपको एक बार रिपीट करके छो, छोटे से शब्द में बता देता हूँ ठीक है पहला जैसे कि एक्सपीरियंस जो नॉलेजेबल पर्सन होता है उस फील्ड के रिगार्डिंग वो यहाँ पर नहीं दिया गया पहला यहाँ पर पॉइंट में जो जो एक्सपर्ट जो इस फील्ड में नॉलेजेबल हो वो यहाँ पर उसकी कमी यहाँ पर बताई गई है दूसरा जिस पी सी के जो स्टाफ्स हैं ठीक है जैसे चेयरपर्सन हो गया और मेम्बर सेक्रेटरी हो गया उनके जो टेन्यूर है जो एक जो उनका जो एक फुल टाइम टेन्यूर है वो यहाँ पर वो फुल टाइम टेन्यूर यहाँ पर उनको नहीं मिलता है ठीक है वहाँ यहाँ पर एक स्टेबल और यहाँ पर लॉन्ग टेन्यूर यहाँ पर उनको नहीं दिया जाता है ठीक है ये यहाँ पर बताया गया है कि उनको एक स्टेबल और लॉन्ग टेन्यूर यहाँ पर दीजिए ताकि वो चीज़ों को समझे और उस पर अमल कर पाए ठीक है तीसरा क्या यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो आपकी जो वैकेंसी खाली है जिस पे आपकी वैकेंसी खाली है सैंक्शन पे स्ट्रेंथ पे आपकी जो वैकेंसी खाली है तो उसको आप फुलफिल कीजिए ताकि जो मेंबर्स हैं वो मिलकर एक साथ काम करें ठीक है नहीं तो अगर आप क्या कीजिएगा आपके कुछ में क्या होंगे कुछ स्टेट्स में आपकी वैकेंसी खाली होंगी कुछ में फुलफिल बहुत ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ठीक है ऐसे केसेस में आपके वर्कलोड्स बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं ये ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया है ओके सो होप यू वर्ल्ड क्लैरिटी पूरा आर्टिकल बहुत ही प्यारा था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैंने आपको समझा पाया होगा अच्छे से ओके इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी न कमेंट सेक्शन एंड दैट साइड फॉर टू डेज़ न्यूज पेपर एनालिसिस और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ओके okay? सो so, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दैन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंस फॉर वॉचिंग आ वीडियो थैंक यू एन बनाई स्टे